हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग जो अपने जीवन का जो है भरपूर आनंद ले रहे हैं और उसके साथ ही क्या है कि अपनी जो स्टडीज़ है उसके ऊपर भी आपका जो ध्यान है वो उसके ऊपर फोकस करके चल रहे हैं। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ दी स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम हिंदी के अंदर जो है सांख्यिकी भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ दी डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसको हिंदी के अंदर हम कह सकते हैं सांख्यिकी की अविश्वसनीयता, कि जैसे कुछ लोगों को स्टैटिस्टिक्स के ऊपर जो होता है विश्वास नहीं होता, तो उसी के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे एक जो है कोटेशन है डिज़राइली के मुताबिक, झूठ के तीन प्रकार होते हैं, झूठ, सफ़ेद झूठ तथा सांख्यिकी। थ्री काइंड्स ऑफ लाइज, लाइज, डैमन लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। तो इसके अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रस्ट क्या होता है, उसके पीछे क्या रीज़न है, उसको हम किस तरह से जो है रिमूव कर सकते हैं। इसके जो लिखित नोट्स हैं वो भी आपको मेरे ब्लॉग के अंदर जो है अवेलेबल हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड कि कुछ लोग जो है सांख्यिकी पे विश्वास क्यों नहीं करते। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि जो सांख्यिकी है एक झूठ का इंद्रधनुष है, कि इसके अंदर क्या है कि बहुत अट्रैक्टिव तरीके से जो है झूठ को प्रेजेंट किया जाता है। और ये कहा जाता है कि स्टैटिस्टिक जो है झूठ का तंतु है, इसके अंदर झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर स्टैटिस्टिक्स है तो कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं, अगर स्टैटिस्टिक्स है तो कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकते। स्टैटिस्टिक जो है गिली मिट्टी की समान है, जिसके अंदर आप देवता या शैतान जैसा भी चाहो आप अपनी मर्जी से जो है बना सकते हैं। और उसी तरह क्या है कि डिज़राइली का ये कहना है कि झूठ के तीन प्रकार होते हैं, झूठ, सफ़ेद झूठ तथा सांख्यिकी, लाइज, डैमन लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। अब हम देखते हैं कि जो सांख्यिकी है इसके अंदर लोग विश्वास क्यों नहीं करते, क्या रीज़न है कि इसके ऊपर डिस्ट्रस्ट करते हैं। देखो, ज़्यादातर जो लोग हैं वो बेसिकली जो है ज़्यादातर जो लोग हैं वो आंकड़ों के ऊपर जो है आसानी के साथ विश्वास कर लेते हैं। और क्योंकि जब हम उनको डाटा दिखाते हैं तो डाटे के ऊपर उनको विश्वास हो जाता है, और कुछ जो मैनिपुलेटर्स होते हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और आंकड़ों का गलत प्रयोग करते हैं। आंकड़ों के द्वारा जब हम डाटा दिखाते हैं तो किसी भी सही चीज़ को हम झूठ बना सकते हैं और झूठ चीज़ को हम सही बना सकते हैं। जैसे सरकार कहती है कि 2018 में प्रति व्यक्ति आय के अंदर 12% वृद्धि हुई है, और ऑपोजिशन पार्टी ये दावा करती है कि सिर्फ 5% वृद्धि हुई है। दोनों के आंकड़े सही हैं, परंतु जो सरकारी दावा है वो वर्तमान कीमतों से संबंधित है, वो वर्तमान जो कीमतें हैं उसके ऊपर वो डाटा बता रहा है, जबकि विपक्ष जो है 2004 और 5 की जो स्थिर कीमतें हैं उसके ऊपर वो वृद्धि को बता रहे हैं। तो अनजान व्यक्ति के लिए क्या है कि इस जो डिफरेंस है इसको समझना बहुत ही कठिन है। वो दोनों के दावों के अंदर जो है समझ नहीं पाता कि कौन सी पार्टी सच बोल रही है और कौन सी पार्टी जो है झूठ बोल रही है। तो अब हम देखते हैं कि जो सांख्यिकी है इसके ऊपर जो लोगों का विश्वास नहीं जम पाता उसके पीछे रीज़न क्या है। देखो, एक ही समस्या होती है लेकिन उसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो है आंकड़े प्राप्त होते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि जो हमारे निष्कर्ष होता है, जो हमने पहले से फिक्स किया होता है, तो उसको सिद्ध करने के लिए अगर सरकार कहती है कि ग्रोथ रेट जो है 7% है, तो वो डाटे के अंदर इस ढंग से मैनिपुलेशन करती है कि लगता है कि हमारा जो रेट है 7% है तो लोगों को 7% दिखना चाहिए। तो एक ही समय के संबंध में अलग प्रकार के आंकड़े प्राप्त होते हैं। पूर्व निर्धारित निष्कर्षों को सिद्ध करने के लिए आंकड़ों को बदला भी जा सकता है। देखो, जब हम जो डाटा है उसको इकट्ठा करते हैं, तो क्योंकि डाटे को हम इस ढंग से प्रेजेंट करते हैं कि जो पढ़ने वाला है वो भ्रम में पड़ जाता है। जब आंकड़ों का संकलन जो होता है पक्षपात पूरे ढंग से किया जाता है, कि मैनिपुलेट किया जाता है, तो ऑब्वियसली उसका जो परिणाम है वो गलत निकलेगा। लोगों का स्टैटिस्टिक्स के अंदर विश्वास नहीं रहता। अगर हम आंकड़ों को गलत ढंग से प्रस्तुत करते हैं तो इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स की विषय सामग्री का कोई दोष नहीं है, ये दोष तो उन लोगों का है जो स्टैटिस्टिक्स को अपने गलत उपयोग के लिए यूज़ करते हैं, उनको गलत ढंग से इकट्ठा करते हैं, गलत ढंग से शो करते हैं, गलत ढंग से जो होता है उसके निष्कर्ष निकालते हैं।
सांख्यिकी जो है कोजार मात्र है, अगर उसका गलत प्रयोग किया जाएगा तो दोष जो होता है स्टैटिस्टिक्स का नहीं होता। देखो अगर हम सही डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें सही दवा देता है, हमारी बीमारी ठीक हो जाती है, बट अगर हम गलत डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पे वो जो दवाई हमें देता है तो वो जहर का जो है काम करती है। तो इसीलिए क्या है कि देखो यहाँ पे जो दोष है वो दवा का नहीं है, वो है कि हम गलत डॉक्टर के पास गए तो उसने हमें गलत दवाई जो है बताई है, और जिसकी वजह से क्या है कि हम सही नहीं हो पाए। सांख्यिकी का प्रयोग ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे अंधा व्यक्ति बिजली के खंभे से प्रकाश ना पाकर सहारा लेने की कोशिश करता है। अब देखो जो बिजली का खंभा है वो सहारा देने का काम नहीं है उसका, उसका तो वास्तविक काम क्या है, प्रकाश देना है। तो इसलिए जो स्टैटिस्टिक्स है इसका सही तरीके से प्रयोग होना चाहिए, एक विज्ञान है, अगर इसको सही ढंग से हम यूज़ करते हैं तो बहुत ही उपयोगी सेवक है। परंतु बेसिकली क्या है कि ये उन लोगों के लिए जो है ये मूल्य जो होते हैं उनके लिए है जो इसका उचित और सही ढंग से प्रयोग करना जानते हैं। देखो सांख्यिकी का प्रयोग जो है सच्चाई का पता करने के लिए, जैसे हमने देखना है कि ये हमारे पास डाटा है, इन डाटों का आपस में क्या रिलेशन है, क्या हम नतीजा निकाल सकते हैं, तो सच्चाई बताना है, सच्चाई को कवर नहीं करना, सच्चाई को ढकना नहीं है। और उसी तरह हम देखते हैं कि ये जो डिस्ट्रस्ट है इसको हम किस तरीके से जो है दूर कर सकते हैं। सांख्यिकी सीमाओं की ओर ध्यान, जैसे कि आंकड़े जो है एक रूप होने चाहिए, एक कैटेगरी को बिलोंग होने चाहिए, पक्षपात रह जो आंकड़े हमने करने हैं उसके अंदर मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, और जो स्टैटिस्टिक्स है इसका जो प्रयोग है विशेषकों के द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि उनको पता होता है कि स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग हम किस तरह से कर सकते हैं। अगर हम सही ढंग से प्रयोग करते हैं तो उसके नतीजे जो है सही निकलते हैं।